हे गाइस, आज हम लोग सोयाबीन की रेसिपी बनाएंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज हम सोयाबीन की रेसिपी बनाने वाले हैं। सोयाबीन फ्राई आप बोल सकते हैं। मैंने सोयाबीन को गर्म पानी में बॉईल करने के लिए डाल दिया है। अब इसमें हम एक चम्मच नमक डाल देंगे, सो दैट ये नमक इसके अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और 3-4 मिनट के लिए इसको बॉईल कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये सोयाबीन बॉईल कर लिया है और स्क्वीज़ कर लिया है। इसमें नमक डाल के स्क्वीज़ किया है, इसलिए नमक दोबारा जब डालेंगे तो उस समय थोड़ा ध्यान देंगे। और बाकी के इंग्रेडिएंट हैं, ये 2 बड़े प्याज हैं, 1 बड़ा शिमला मिर्च है, काफ़ी बड़ा है, अगर आप छोटा ले रहे हो तो 2 लो एटलीस्ट, 2 टमाटर है छोटे छोटे, हरी मिर्च है अपने स्वाद अनुसार, जैसा तीखा खाते हो आप ले सकते हो, और वो कुटी हुई लहसुन है, अदरक का पेस्ट है, 10 कलियाँ हैं लहसुन की लगभग, ज़्यादा ही लहसुन हम लेते हैं, 10-12 ले सकते हैं, छोटी छोटी है तो मैंने बड़े बड़े 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं। और इसमें हम ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ कर रहे हैं, पाव भाजी मसाला यूज़ कर रहे हैं तो वो मोर देन इनफ है। और अगर आपके पास गर्म मसाला है तो आप ले सकते हो, और स्वाद नमक और रिफाइनल, दैट्स इट। तो चलिए हम बनाने की तरफ। कढ़ाई को चढ़ा दिया है, पैन हीट कर रही हूँ मैं। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तो अब इसमें हम तेल डालते हैं, 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और इसको, तो अब ये हमारे तेल पूरा गर्म हो चुका है। अब हम फ्लेम को कम कर देंगे। कभी भी हम जब फ्लेम को कम करके ही कढ़ाई में कोई भी चीज़ डालनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये प्याज डाल दिया है। अब सारी चीज़ें हम साथ में ही डाल देंगे, ज़्यादा आगे पीछे नहीं डालना। लहसुन, प्याज और शिमला मिर्च डालने के बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसके ऊपर से ये टमाटर डाल देंगे। सारी सब्जियों को ना ऐसे एक के ऊपर एक लेयर बना के हमें डालना है, चलाना बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय फ्राई को हम देते ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक कुक्ड रहता है सोयाबीन। और 2 बड़े चम्मच पाव भाजी के हम डाल देंगे। मैंने अंदाज से डाला है, बट आप 2 बड़े चम्मच डाल देना। अगर आपके पास गरम मसाला है तो वो भी अभी डाल देंगे, धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे, और फिर हम ये रेसिपीज जो है हमारा ये है सोयाबीन, उसको डाल देंगे। ठीक है, ये मेरा ही तरीका ऐसा, मैं मोस्टली सब्जियाँ मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जो सब्जी इस तरीके से बन सकती है जूसी, जिसमें मैं पानी नहीं डालती हूँ उसमें मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये है नमक स्वादानुसार, नमक डाल देंगे और इसको फिर फ्लेम को कम कर देंगे और ढक के हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे। बिल्कुल भी फ्लेम कम होना चाहिए, अगर आपको शक होता है कभी भी कि जल सकती है सब्जी तो आप बीच खोल के देख सकते हैं। 5 मिनट के लिए एटलीस्ट छोड़ दें। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसमें मैं, अगर आपके पास धनिया पाउडर है घर की कूटी हुई तो वो भी, जब बाकी मसाले मैंने पहले जो डाला था उसी समय से भी डालना था, लेकिन मैं भूल गई हूँ इसलिए ऊपर से डाल दिया। तो पहले जो मसाले एवरेस्ट के डाले थे ना, उसके साथ ही धनिया पाउडर भी डालना है, तो लेकिन मैं भूल गई हूँ इसलिए अभी डाला है। ठीक है, ओके। अब देख सकते हैं 10 मिनट मैंने छोड़ दिया था ताकि ना नीचे की सब्जी अच्छे से पक जाए, तभी हम चलाएंगे। और इसको एक बार ऐसे हम देखें, अंदर की देखिए सब्जियाँ पूरी पक चुकी है। इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, अभी 10 मिनट के बाद मैंने ये ढक्कन खोला है सेम आँच पे, और जब भी हम चलाते हैं उस समय थोड़ा सा आँच को, मतलब फ्लेम को तेज कर देते हैं, उसमें थोड़ा पानी उड़ता है। अगर पानी ज़्यादा छोड़ दिया है तो फ्लेम को तेज करके हम चलाएंगे, सो दैट थोड़ा सा सूखा हो जाए नीचे। और अगर पानी कम छोड़ा है तो आप फ्लेम को नॉर्मली रहने दें, तेज ना करें। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है। और 10 मिनट के लिए से हम फ्लेम को कम कर देंगे और 10 मिनट में और इसे पकने देंगे।
आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा हमारी सब्जी सोयाबीन की बनके तैयार है। देखिए अब इसके ऊपर अगर आपके पास हरी धनिया पत्ती है तो वो काट के इस पे डाल के और ढक देंगे। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे दोस्तों। इसके पानी को मैंने पूरा सुखा लिया है अच्छे से, मुझे थोड़ा कम सूखा लग रहा है तो थोड़ा सा और सुखा देती हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और फ्लेम को लास्ट में हाई कर देंगे सो दैट हमारा जितना एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। उसके बाद धनिया पत्ता डालेंगे लास्ट में, सबसे लास्ट में। उसके बाद हमें गैस को ऑन नहीं करना है क्योंकि ये पानी नहीं सूखेगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो हमें पानी को थोड़ा सुखा लेना है दोस्तों। अब ये हमारा सूख चुका है, इसमें अगर चाहिए तो आप सिर्फ पाव भाजी मसाले ही सिर्फ डालिए, कोई मसाले और डालने की ज़रूरत नहीं है तो भी ये उतना ही अच्छा बनेगा। हाँ, लेकिन हरा धनिया अगर लास्ट में आप इस पर ऐड करेंगे तो उससे फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, बट हमारे पास आज है नहीं इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, नहीं तो मैं हरा धनिया ज़रूर से डालती हूँ। अब हम इसे सर्व करने की ओर सर्व करते हैं। ये देखिए हमारा बनके तैयार है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, सिर्फ पाव भाजी मसाले से ट्राई कीजिए, ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।